बीएचयू एक बार फिर सुर्खियों में है और मामला पुराना भी है और कुछ नई शिकायतें भी हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। पिछले साल कुलपति राकेश भटनागर के पास शिकायत दर्ज हुई थी। जूलॉजी डिपार्टमेंट के पांचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट का एक ग्रुप 3 से 9 अक्टूबर 2018 तक एक एजुकेशनल टूर पर ओडिशा गया था। उसके साथ ही प्रोफेसर एसके चौबे को भेजा गया था। उन लोगों को नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जाकर वहां के जानवरों के बारे में जानकारी लेनी थी, लेकिन यह आरोप लगा कि प्रोफेसर चौबे सभी को कोणार्क सूर्य मंदिर ले गए और वहां पर लड़कियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया। उसके समूह के साथ एक गाइड भी चल रहा था। वहां पर मूर्तियां बनी थी जो संभोगरत थी। जब लोग वहां पहुंचे तो प्रोफेसर ने साथ चल रहे गाइड से कहा कि मेन पॉइंट पर जाओ। उनका इशारा कथित रूप से यौन क्रियाओं के ऊपर बात करने से था जो मूर्तियों में दिख रही थी। इस वजह से वहां मौजूद स्टूडेंट काफी परेशान हुए। उसके बाद जितने दिन भी वो समूह के साथ उड़ीसा में रहे, तब अलग अलग मौकों पर साथ आई छात्राओं का यौन शोषण किया। साथ आई महिला प्रोफेसर ने भी अनकंफर्टेबल महसूस किया। प्रोफेसर चौबे के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही थीं, लेकिन लिखित में कोई आवेदन या शिकायत ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार लिखित शिकायत के बाद मामला उठा, विमेन ग्रीवांस सेल के पास मामला गया। कुलपति ने इसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी को भेजा और प्रोफेसर चौबे को निलंबित कर दिया गया। आईसीसी ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया। और अब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। रिजवाना तबस्सुम ने एक खबर बताई है, अब क्या हुआ जरा जान लीजिए। ट्रेन में बैठते ही प्रोफेसर चौबे अजीब नजर से देखने लगते हैं। उनकी नजरें केवल लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर होती हैं। टूर के दौरान एक बार मैं आइसक्रीम खा रही थी तो वे कहने लगे कि तुम आइसक्रीम खा रही हो इसलिए इतनी मोटी हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी शादी की चिंता होगी और वो परेशानी में पड़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था रिजवाना तबस्सुम से, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। टूर के दूसरे दिन वो लोग समुद्र तट पर गए। उसने एक जैकेट और क्रेजी पहना हुआ था और एक कम गहराई वाली जगह पर अकेली नहा रही थी। तभी प्रोफेसर चौबे अचानक से पास आए और उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। इसके बाद ऊपरी हिस्से को छूने लगे और कपड़े के अंदर हाथ ले गए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा तो सब कुछ दिख गया है जो नहीं दिखना चाहिए था, और फिर मेरे कपड़े को ठीक करने लगे। ये बहुत सी शिकायतों में से कुछ का मजमूम है, एक छात्र ने भी आईसीसी को बताया। अब ये हुआ कि जुलाई से प्रोफेसर एसके चौबे को दोबारा बहाल करने का निर्णय दे दिया गया। वीसी राकेश भटनागर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उनको मेजर सजा दी गई है, उन्हें सेंसर कर दिया गया है, कड़ी चेतावनी भी दी गई है। उनकी सर्विस रिकॉर्ड में ये बात जुड़ गई है कि वो सेंसर है। इस सजा के बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं बन पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर चौबे ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। आईसीसी ने छात्र छात्राओं से बात की तो पता चला कि प्रोफेसर चौबे स्टूडेंट को उनके प्रैक्टिकल के नंबर काट लेने की धमकी देते थे। यही नहीं, विभाग के अध्यक्ष ने भी माना कि लिखित शिकायत अब तक न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वरना इनको लेकर शिकायतें पहले भी आई हैं। वहां के वर्तमान स्टूडेंट से बात करने पर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मामले ने टूर के बाद ही जोर पकड़ लिया था। विकास सिंह वहां के रिसर्च स्कॉलर हैं। विकास सिंह वहां के रिसर्चर स्कॉलर हैं। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने बताया कि बीएससी थर्ड ईयर बैच के जिन स्टूडेंट के साथ ये मामला हुआ था वो तो पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से। अब नए सेमेस्टर में प्रोफेसर चौबे की बहाली हुई है। इसी यूनिवर्सिटी में पहले एक प्रोफेसर पर यौन शोषण के आरोप सिद्ध हुए थे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। एक और प्रोफेसर पर आरोप लगे थे तो सख्त कार्रवाई हुई थी। अब इसी यूनिवर्सिटी में यौन शोषण के अभियुक्तों को, जिसे आईसीसी ने भी दोषी माना, उसे इतनी ढील दी जा रही है, वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। और अब इसी मामले को लेकर बीएचयू के सैकड़ों छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं। बीएचयू गेट पर रात रात भर धरना दे रहे हैं और यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।